जब आप आइसक्रीम खाते हैं ना, जो मार्केट से लेके किसी भी किस्म की आइसक्रीम हो, चाहे वो आइसक्रीम कोन की सूरत में हो या ये जो फ्रीजर्स के अंदर लगी हुई होती हैं, जो आप लोग एंजॉय करते हैं, गत्ते के पैक्स में आ रही होती हैं, मोस्ट ऑफ देम, ऑलमोस्ट 99% ऑफ देम आर ऑल मेड फ्रॉम वेजिटेबल फैट्स। इसी तरह जो क्रीम चीज केक्स आप मार्केट से लेकर खाते हैं, चाहे वो किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी की हो, उसमें जो क्रीम चीज इस्तेमाल हुई है, अगेन दैट्स इमिटेशन। व्हाट इज दैट? दैट्स ऑल मेड फ्रॉम वेजिटेबल फैट्स और इस सब के दूसरे इंग्रेडिएंट से, तकरीबन 90%, 95% था। ये देखें, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया था, चूंकि मैं एक चीज़ मेकर हूँ, मेरा दुनिया भर की मुख्तलिफ कंपनियों के साथ रबते रहते हैं और सप्लायर्स के साथ मेरे रबते रहते हैं, तो ये एक मेरे पास पूरा फ्लो चार्ट आया था जिसमें इमिटेशन क्रीम चीज स्प्रेड फॉर जार्स एंड कैंस फिलाडेल्फिया टाइप। अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और यही वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इंपोर्टेड में भी यूज़ हो रहे हैं और अब लोकल भी आप ये स्टार टीवी वगैरह पे देखते होंगे, वो इसी किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। वाटर इंक्लूडिंग कंडेंसेट वेजिटेबल फैट ब्लेंड, ठीक है ना? फिर उसकी आगे किस्में लिखी हुई हैं, स्किम मिल्क पाउडर और फिर मिल्क प्रोटीन कंसनट्रेट, ये सब पाउडर्स हैं, एमल्सीफाइंग सॉल्ट्स, स्टेबलाइजर्स, सॉल्ट, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, 80% लिक्विड, प्रिजर्वेटिव्स। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जिससे क्रीम चीज डिवेलप होती है। फार्मर चीज मेकिंग क्या करते हैं? हम लोग प्योर कर्ड्स जो दूध से निकलते हैं उनसे क्रीम चीज डेवलप करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें वेजिटेबल फैट्स और ये स्टेबलाइजर्स और इस किस्म की चीज़ें नहीं ऐड होती, जो एक दो हम प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल भी करते हैं तो बहुत कम, जो स्टैंडर्ड दिया गया उससे भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं ताकि हेल्थ आपकी अच्छी रहे। माई एडवाइस, अगर आपने पैसे स्पेंड करने ही हैं, चीज़ केक खाना है, चीज़ केक डिजर्ट्स खाने हैं, तिरामिसू खाना है, स्पेंड इट ऑन द राइट प्रोडक्ट। आपने ज़रूर इमिटेशन क्रीम चीज़ वगैरह खानी है, आपने ज़रूर जो चीज़ क्रीम चीज़ केक्स जो इमिटेशन क्रीम चीज़ से बने हुए हैं वो खाने, क्योंकि बनाने वाली जो बेकरीज हैं उनको भी नहीं पता कि वो क्या बना रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। उनके सामने एक प्रोडक्ट आती है और वो उसको बना देते हैं। फार्मर चीज़ मेकिंग ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया कि आपके लिए हम लोग डिजर्ट्स लेकर आए हैं और बहुत जल्द हम आपको क्रीम चीज़ की आइसक्रीम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो कि प्योर क्रीम चीज़ से आप आइसक्रीम खाएंगे। ये जो आइसक्रीम मार्केट्स में मिलती है ना, ये क्या है? आपको मालूम है कि ये वेजिटेबल फैट से बनती है, ये दूध की प्रोडक्ट नहीं है। इमिटेशंस हैं, एनालॉग्स हैं, पैकेजिंग बहुत खूबसूरत होती है, यू गेट अट्रैक्ट थ्रू दैट पैकेजिंग, और उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड हुए होते हैं, वो आपको खाते हुए बहुत मजा आ रहा होता है। लेकिन ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल गो फॉर द रियल स्टफ, यू विल बी अमेज्ड बाय द रियल एंड रिच फ्लेवर्स। अच्छा, अब हम आपको ये कहाँ पर, आपसे को कैसे हमसे ये खरीदेंगे? इस वक्त तो हम अलफते के स्टोर्स पर अगर आप जाएंगे लाहौर में, गोल्ड ट्रेस मॉल में, हुसैन चौक पर, फेज 6 का जो अलफते है और जो वेलेंशिया में जो है, वहाँ पर आपको फार्म फील्ड के नाम से क्योस मिलेंगे बड़े खूबसूरत। आपको ये प्रोडक्ट्स हमारी वहाँ पर अवेलेबल, आप टेस्ट भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ढेरों के हिसाब से वहाँ पर चीज़ पड़ी हुई है, आप उस चीज़ को एंजॉय करें, टेस्ट करें, परचेज करें, जो प्रोडक्ट पसंद आती है, और जितना मर्जी खरीदें, 100 ग्राम खरीदें, 200 ग्राम खरीदें, 500 ग्राम खरीदें, 10 KG खरीदें, आपके सामने ओपन है। योर ब्रांड फार्मर चीज मेकिंग, वी आर ब्रिंगिंग इनोवेटिव आइडियाज फॉर यू। चीज़ आपके करीब करीब पहुंचा दी गई है, आप अपनी मर्जी की चीज खाएं एंड चीज खाएं, धोखा ना खाएं। ये जो बड़ी बड़ी खूबसूरत पैकेजिंग में जो आप मार्केट में देखते हैं ना लगी हुई है चीजेस, ये सारी की सारी ये प्रोसेस्ड है, लेकिन अदरवाइज जो कुछ आप खाते हैं, दैट कैन बी एनीथिंग बट चीज, दैट कैन बी एनीथिंग बट बटर, इट कैन बी एनीथिंग बट डेयरी प्रोडक्ट। लिहाजा वंस अगेन, चीज खाएं, डेयरी खाएं, धोखा ना खाएं।